यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पांवटासाहिब में बुधवार को स्थानीय उद्योगपतियों को ईएसआई की विस्तृत जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर स्थित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भवन में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में ईएसआई में रीजनल डायरेक्टर दीपक जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान उद्योगपतियों को कर्मचारी बीमा योजना यानी कि ईएसआई के बारे में जानकारी देते हुए रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि जिस भी कारोबार में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते होंगे उसमें ईएसआई लागू होना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक सेल्फ फाइनेंस कंपनी है जो कि सरकार से बिना कोई अनुदान लिए काम करती है। इसके नियमों के तहत कर्मचारी की मूल सैलरी का 6.5% ईएसआई को जाता है जिसमें से 4.75% कंपनी अदा करती है और बाकी के 1.75% कर्मचारी से लिया जाता है। रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि इसके बदले ईएसआई कर्मचारियों को कई तरह की सेवाएं मुहैया करवाता है।